सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल, बेल बटन पर क्लिक करते ही पाएं हर एक वीडियो की लेटेस्ट अपडेट। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका महिंद्रा गुरु के यूट्यूब चैनल पे और मैं जीएस गुरु आज आपके साथ फिर लेकर आए हैं पार्ट 9 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। पार्ट 9 इन द सेंस कि हम लोग लगभग देखा जाए तो एवरीडे 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और तरीका वही जैसा कि आप लोग जानते हैं ऑप्शंस के साथ, यानी पार्ट 9 और 20 क्वेश्चंस, दैट मीन्स अगर कहें तो हमारे पास क्वेश्चंस का बंच हो गया है, यानी क्वेश्चन का गुच्छा और उसके जवाब कैसे फ्रेंड्स, जैसा हम लोग देखते आए हैं अब तक। और भूले नहीं कल सैटरडे ओनली रेलवे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे कल, बट कल की बातें बाद में, आज सेशन को देखते हैं, स्टार्ट करें क्वेश्चन आज का। चलिए गुड इवनिंग एवरीबॉडी, देखिए सेशन की बात करें तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, वेयर इज द लोकेटेड सिक्योरिटी पेपर मिल, सिक्योरिटी पेपर मिल का मुख्यालय कहां है। आपके सामने ऑप्शन है होशंगाबाद, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता। भारत का एकमात्र सिक्योरिटी पेपर मिल जहां पे छपाई की जाती है नोटों की और जितने सारे स्टैम्प पेपर हैं उसकी, बताइए फ्रेंड्स कहां है, वेयर इज द लोकेटेड सिक्योरिटी पेपर मिल, सिक्योरिटी पेपर मिल का मुख्यालय कहां है, होशंगाबाद, दिल्ली, मुंबई या कोलकाता। चलिए बताएं जल्दी क्या, कमेंट बॉक्स में टाइप होना शुरू हो गया आंसर। चलिए कहां है सिक्योरिटी पेपर मिल का मुख्यालय, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश, एमपी। पहले भी हम लोगों ने एमपी से रिलेटेड बेसिक फैक्ट को देखा, आज हम लोग एमपी से रिलेटेड देखेंगे नेशनल पार्क, कितने नेशनल पार्क हैं एमपी में, यानी मध्य प्रदेश की बात किया जाए तो भोपाल, बोर्ड, जबलपुर से जो क्वेश्चन आएंगे आपके, और ऑल ओवर इंडिया जितने सारे बोर्ड हैं यानी 17 जोन से जो क्वेश्चन बनेंगे। नेशनल की बात करें, राष्ट्रीय की बात करें यानी पार्क की बात करें तो क्वेश्चन उससे आते ही आते हैं, यानी सिक्योरिटी पेपर मिल देखा कहां, होशंगाबाद, और देखते हैं बेसिक फैक्ट्स मध्य प्रदेश की नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान। सर स्क्रीन को लार्ज कर दीजिए, स्पष्ट दिखे बच्चों को। नेशनल पार्क की बात किया जाए मध्य प्रदेश में फ्रेंड्स, ताकि आपको परेशानी ना हो, नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं तो मुख्य रूप से देखा जाए तो 9 राष्ट्रीय उद्यान, कौन कौन सा देखिए। सर पीडीएफ नहीं मिल रहा फ्रेंड्स, पीडीएफ तो लगे हुए हैं, ठीक है देखिए, बांधवगढ़ नेशनल पार्क पहला, कान्हा टाइगर रिजर्व दूसरा, घुघुआ फॉसिल पार्क, घुघुआ जीवाश्म पार्क, माधव नेशनल पार्क, मंडला प्लांट फॉसिल्स नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क और सतपुड़ा नेशनल पार्क और लास्टली पेंच नेशनल पार्क। देखिए एक अगर संजय नेशनल पार्क की बात करें, अगर यहां संजय गांधी कर दें, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये हो जाएगा फ्रेंड्स पटना, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान पटना बिहार। और केवल संजय नेशनल पार्क की बात करें कहां होगा, मध्य प्रदेश एमपी। इधर क्लियर फ्रेंड्स, स्पेशल टॉपिक की बातें मत करिए अभी, स्पेशल टॉपिक आपके एसएससी में चलते हैं, और अगर स्पेशल टॉपिक को देखेंगे यहां भी तो मल्टीपल क्वेश्चन हम सॉल्व कहां करेंगे, यानी दोनों टाइम में आपके साथ दो चीजें, एक उसमें स्पेशल टॉपिक की बात करते हैं 6 से 7 और 10 से 11 10 to 11 केवल और केवल क्वेश्चंस के जरिए अलग अलग टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट, जल विद्युत संयंत्र का कार्य क्या है, क्या कार्य है, कैसे काम करता है। इट कन्वर्ट्स काइनेटिक एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू काइनेटिक एनर्जी, या विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है। इट कन्वर्ट्स
सोलर एनर्जी इंटू काइनेटिक एनर्जी या सौर ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और ऑप्शन नंबर डी इट कन्वर्ट्स काइनेटिक एनर्जी इंटू पोटेंशियल एनर्जी, यानी यह गतिज ऊर्जा को संभावित ऊर्जा में बदल देती है। बताइए क्या होगा, जल विद्युत संयंत्र का कार्य क्या है? फास्टली टाइप करिए क्या होगा आंसर फ्रेंड्स इसका। ये रहा आपके सामने आंसर, यानी इट कन्वर्ट्स काइनेटिक एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाइड्रो पावर प्लांट कैसे काम करता फ्रेंड्स? गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगर विद्युत ऊर्जा ना रहे तब हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी। अगर आपके ऑप्शन में विद्युत ऊर्जा नहीं है तब क्या होगा? मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, अरे बात समझ में, यानी यह गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, बदलता है। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं है तब क्या होगा? मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, अरे बात समझ में, यानी काइनेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी ऐसा ही फ्रेंड्स आने वाले समय में क्वेश्चंस के ऑप्शंस रहेंगे, यानी अलग अलग तरीके से स्टेटर एक्सपेरिमेंट करता है। ठीक है, क्या कह रहे हो, वीडियो नहीं चल रही है, रिफ्रेश करिए। जल विद्युत संयंत्र के उदाहरण देखिए, जल विद्युत संयंत्र के उदाहरण की बात करें तो देखिए एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जल विद्युत संयंत्र नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट पॉइजनियस फिश इन द वर्ल्ड इज, दुनिया में सबसे जहरीली मछली है, स्टोन फिश, लायन फिश, स्कॉर्पियन मछली, स्कॉर्पियन फिश या अस्ट्राजर मछली, अस्ट्राजर फिश। चलिए बताइए क्या होगा फ्रेंड्स, फ्रेंड्स बताओ क्या होगा, दुनिया में सबसे जहरीली मछली कौन सी है? बताओ दुनिया में सबसे जहरीली मछली कौन सी है? देखिए, मोस्ट पॉइजनियस फिश इन द वर्ल्ड इज स्टोन फिश। फ्रेंड्स स्टोन फिश की बात करें, देखिए ये सबसे जहरीली है और इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है, ये 24 आवर्स बिना पानी के जीवित रह सकती है, यानी बिना वाटर का ये 24 घंटा तक जीवित रह सकता है। और ये समुद्र में पाया कहां जाता है? तो बड़े बड़े चट्टानों के बीच में, बड़े बड़े चट्टानों के बीच में, यानी ये फर्स्ट नंबर पे, लायन फिश सेकेंड नंबर पे, स्कॉर्पियन फिश थर्ड नंबर पे और स्ट्राइजर फिश फोर्थ नंबर पे। ये इतनी पॉइजनियस है फ्रेंड्स कि अगर ये अपने पूंछ से मार दे तो पूरे शरीर में पॉइजन काफी तेजी से फैलता है, जो बचने की संभावना बहुत कम होती है मनुष्य की। अरे बात समझ में, कोई कंफ्यूजन नहीं यहां तक, यानी 24 आवर विदाउट वाटर ये जिंदा रहने की कैपेसिटी में है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आयरन ओर हैज द हाईएस्ट आयरन कंटेंट, किस लौह अयस्क में सबसे अधिक आयरन सामग्री है?
हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडराइट। चलिए, शंभु कुमार जी, स्कॉर्पियन मछली नहीं, स्टोन फिश। चलिए बताइए, किस लौह अयस्क में सबसे अधिक आयरन सामग्री पाई जाती है? किस लौह अयस्क में सबसे अधिक आयरन सामग्री है? चलिए जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा आंसर फ्रेंड्स। क्या होगा आंसर? मैग्नेटाइट। सबसे अधिक आयरन सामग्री कहां बात करें तो मैग्नेटाइट में। अरे बात समझ में, मैं अपने टेक्निकल टीम से चाहूंगा कि जरा स्क्रीन को लार्ज कर दिया जाए ताकि इसके फॉर्मूले को बताया जा सके, केमिकल फॉर्मूला क्या होगा और कितने परसेंट हेमेटाइट में होते हैं। मैग्नेटाइट की अगर बात करें तो मैग्नेटाइट का फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला Fe3O4। परसेंटेज फ्रेंड 72.4%। हेमेटाइट Fe2O3 और परसेंटेज 69.9%। और लिमोनाइट की बात करें 2Fe2O3 और परसेंटेज 55%। फ्रेंड्स नोट डाउन करते जाइए, नोट डाउन करते जाइए ताकि आपको फायदा हो। आने वाले समय में हो सकता है केमिकल फॉर्मूला पूछ दे, हो सकता है केमिकल फॉर्मूला पूछे या अयस्क पूछे, परसेंटेज पूछ दे या अरेंज करने के लिए दे दे, ठीक है। और सीडराइट की बात करें तो FeCO3 जिसमें से मात्र 48.5% पाई जाती है। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, यानी सबसे ज्यादा अगर बात करें तो लोहा जो प्राप्त होता है किस ओर से? मैग्नेटाइट से, जिसके केमिकल फॉर्मूला Fe3O4। परसेंटेज की बात करें तो 72.4%, यानी मैग्नेटाइट इज ग्रेटर देन हेमेटाइट इज ग्रेटर देन लिमोनाइट इज ग्रेटर देन सीडराइट। जैसे समझ में आए आपको बस नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग का स्लोगन क्या है इस बार? रेलवे हमारा है, चुकना नहीं है। फ्रेंड्स आपके डीएस गुरु, महिंद्रा गुरु से जितना बन पड़े आप लोगों के लिए, आई एम रेडी, वी आर रेडी। आपके रीजनिंग गुरु, आपके मैथ्स गुरु, डीएस गुरु, पूरी महिंद्रा गुरु की टीम आपके साथ है, इस बार चुकना नहीं है, ठीक है। चलिए अब बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु डिस्कवर्ड विटामिन डी? विटामिन डी के खोजकर्ता कौन है? जॉर्ज होयर विपल, हेनरिक डैम, पॉल जॉर्जी और वी मैकुलम। चलो बताओ क्या होगा, विटामिन डी के खोजकर्ता कौन है फ्रेंड्स? विटामिन डी के खोजकर्ता, हु डिस्कवर्ड विटामिन डी? चलिए जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा। विटामिन डी के खोजकर्ता वी मैकुलम। विटामिन डी का केमिकल नेम एक ट्रिक के जरिए बताए थे, विटामिन डी का केमिकल नेम एक ट्रिक के जरिए बताए थे, बताओ क्या होगा? क्योंकि विटामिन डी के कमी से आज ट्रिक दे दें, उससे होने वाली, उससे कमी से होने वाली बीमारियां
और आप बताओ कमेंट बॉक्स में टाइप करो कि विटामिन डी का केमिकल नेम क्या होगा, और मैं ट्रिक दू होने वाले डिजीज, उसे कमी से होने वाले डिजीज। देखिए ये कमी से होने वाले डिजीज कौन कौन सा, विटामिन ए के कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी बेरी, सी की कमी से अस्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स, ई की कमी से क्या होगा बताओ, ई की कमी से बांझपन यानी लेस फर्टिलिटी जो बात करते हैं, और के कमी से रक्त का थक्का नहीं जमना यानी नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। कल देखा हम लोगों ने ट्रिक के जरिए केमिकल नेम, आज देखा कि किस विटामिन के कमी से कौन सी बीमारियां होती है। चलिए वेरी गुड, संजय कुमार ने कहा रथ पर टॉफी, रथ एक टॉफी फ्रेंड, ठीक है, आ रही बात समझ में। चलिए, और हाँ मैकुलम ने भी ए और बी की खोज की थी। देखिए कहीं कहीं ना हॉपकिंस मिलता है डी की खोज करता, लेकिन जब भी एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स मैकुलम सही हुआ है आपके, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लॉक पेंडुलम वाज इन्वेंटेड बाय, घड़ी पेंडुलम का आविष्कार डैश के द्वारा किया गया, हिसंग एंड लिंगसा, सी हुगेंस, सैमुअल मोर्से और रोएनचन। पेंडुलम जो पेंडुलम देखते हो जो घूमता रहता है इधर, का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है। प्रेमराज जी विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने की है, ठीक है। मैं आपको बार बार कहूं कि जब भी एग्जाम में पूछा गया है आपके ऑप्शन वही है मैकुलम, ठीक है, इसीलिए पैनिक नहीं होना है। देखिए सीखने के लिए आए ना हम लोग। घड़ी पेंडुलम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है, चलिए जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा आंसर फ्रेंड्स। सी हुगेंस के द्वारा किया गया है घड़ी पेंडुलम का आविष्कार। सी हुगेंस ने 1657 ईस्वी में किए थे, जो नीदरलैंड के निवासी हैं। कहां के निवासी हैं, नीदरलैंड के, और ये साहब जो चाइना से है नामी लगता है लिंगसांग। इन्होंने मैकनिकल घड़ी की खोज की, मैकनिकल क्लॉक का आविष्कार किसने किया, इसने किया। और रोएनचन की बात करें तो ये पहले भी बता चुके हैं, लेकिन मैं बता दूं फिर, एक्सरे की खोज की गई, एक्सरे की खोज रोएनचन के द्वारा की गई, और ये साहब है जर्मनी से, पहले भी चर्चा की है हम लोग फ्रेंड्स 1895। और सैमुअल मोर्स साहब ने क्या किया, इसको उतार लो, फिर सैमुअल मोर्स के बारे में बताएं। देखिए सैमुअल मोर्स साहब ने किया टेलीग्राफ का कोड, टेलीग्राफ कोड की खोज की गई सैमुअल मोर्स के द्वारा, जो यूएसए से हैं 1837 ईस्वी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स वर यूज्ड इन द बिल्डिंग ऑफ द एफिल टावर, एफिल टावर के निर्माण में किन तत्वों का प्रयोग किया गया है। यह आपके सामने ऑप्शन, आयरन स्टील एंड सीमेंट, लोहा स्टील और सीमेंट, स्टील एंड सीमेंट, लोहा एल्युमिनियम एवं सीमेंट, आयरन कॉपर और सीमेंट।
चलिए जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा। एफिल टावर के निर्माण में किन तत्वों का प्रयोग किया गया है? सर एग्जाम में डेट पूछे जाएंगे? नहीं फ्रेंड्स, एग्जाम में डेट नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर देखिए समझ लेते हैं। देखिए जानकारी रखना कोई बुरा नहीं है, ठीक है, नोट डाउन करते जाइए। सर नोबेल प्राइज एवरी ईयर दिया? हाँ नोबेल प्राइज एवरी ईयर दिया जाता है, हम लोग पहले भी नोबेल प्राइज देख चुके हैं, लेकिन एक काम करेंगे जब मंडे को मिलेंगे तो स्पेशल नोबेल प्राइज 2017-18 के नोट्स के रूप में देखेंगे, ठीक है। चलिए क्या होगा आंसर इसका बताइए। एफिल टावर के निर्माण में आयरन, स्टील और सीमेंट का प्रयोग किया गया है। कई सारे लोग कंफ्यूजन है तांबा और एल्यूमिनियम में, बट किसका यूज किया गया है एफिल टावर के निर्माण में? आयरन, स्टील और सीमेंट। एफिल टावर कहां? फ्रांस। और इसके निर्माण जो इंजीनियर थे गुस्ताव एफिल, और इन्हीं के नाम पर एफिल टावर का नामकरण हुआ। और जो निर्माण कार्य देखें 1887 से लेकर 1889 तक काम चला है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सिनेबार? सिनेबार का रासायनिक सूत्र क्या है? HDS, PBS, U3O8, AgCl। चलिए बताइए क्या होगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस। अच्छा चलो पहले इसको बताओ, इसके बाद बताएंगे पेरिस के बारे में। सिनेबार का रासायनिक सूत्र क्या है फ्रेंड्स? HGS, PBS, U3O8, AgCl। सिनेबार फॉर्मूला की बात करें HGCS, HGS यानी ये मरकरी का क्या है? ओर। मरकरी का ओर, कल किसी ने पूछा था ना मरकरी का ओर का नाम क्या है, चलो आज उस क्वेश्चन ही बना दिया जाए। यानी मरकरी के ओर सिनेबार जिसका केमिकल फॉर्मूला HGS, PBS जिसको हम लोग बोलते हैं गैलेना, ये किसका ओर है? लेड, जिसको हम लोग इंडिकेट करते हैं PB से। और U3O8 की बात करें तो दैट इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ पिच ब्लेंड, ये किसका ओर है? यूरेनियम। और AgCl, चलिए कुछ आइडिया लगाइए। AgCl, ऐसे सोचिए फ्रेंड्स, Ag किसका सांकेतिक अक्षर हो सकता है? Ag दैट मीन्स सिल्वर, चांदी, ये हॉर्न सिल्वर का केमिकल फॉर्मूला, और हॉर्न सिल्वर इज अ ओर ऑफ सिल्वर। यानी हम लोगों ने क्या किया, बस देखा क्वेश्चन क्या आएगा कि सिनेबार किसका अयस्क है? मरकरी का, पारा का। गैलेना किसका अयस्क है? सीसा का। पीच ब्लेंड किसका अयस्क है? यूरेनियम का। हॉर्न सिल्वर किसका अयस्क है? सिल्वर का। और इधर हो गया आपके केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स? अमीनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 15, 20, 22, 25। चलो जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा। अमीनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं?
अमीनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? चलिए बताइए फ्रेंड्स क्या होगा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स? चलिए इरफान खान ने पहले आंसर टाइप किया 20, वेरी गुड। देखिए आंसर क्या है, दिस इज राइट आंसर। अमीनो एसिड 20 प्रकार के होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी। हमारा बॉडी 15 अमीनो एसिड तैयार कर लेता है, 5 हमें बाहर से चाहिए होती है। यानी फ्रेंड्स जो भी हम लोग भोजन लेते हैं ना, खाते हैं पीते हैं, तो जितने भी प्रोटीनियस है फूड, जितने भी फूड हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो प्रोटीन हो, वो टूटता किस में है, एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है। और कन्वर्ट होने के बाद ये पूरे बॉडी पार्ट में ब्लड के जरिए दौड़ता है। तो ब्लड में भी क्या, जो लिक्विड पार्ट होगा, लिक्विड पार्ट क्या ब्लड का, प्लाज्मा इज अ लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। प्लाज्मा क्या है, लिक्विड पार्ट है ब्लड का, और इसी प्लाज्मा के जरिए पूरे बॉडी पार्ट में ट्रैवल करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फास्फोरस इज मोर रिएक्टिव, कौन सा फास्फोरस अधिक अभिक्रियाशील है, रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, नन ऑफ दीज। चलिए बताइए क्या होगा फ्रेंड्स, विच फास्फोरस इज मोर रिएक्टिव? पूजा बाटा जी ने पूछ रही है, हिंदू गुरु वेयर आर यू। चलो मैं भी स्लीपिंग मोड में हूं। चलिए कौन सा फास्फोरस अधिक अभिक्रियाशील है, बताइए क्या होगा फ्रेंड्स। देखिए व्हाइट फास्फोरस इज मोर रिएक्टिव देन रेड फास्फोरस। कुछ को लगता होगा सर रेड फास्फोरस क्यों नहीं है, फ्रेंड्स रेड फास्फोरस की बात करें, रेड फास्फोरस यूज्ड इन मैच इंडस्ट्री, मैच इंडस्ट्री यानी आईपीएल वाला मैच नहीं, दिया सलाई, हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, माचिस में कौन से फास्फोरस का यूज होता है, रेड फास्फोरस। फ्रेंड्स अगर ये मोर रिएक्टिव होगा तो माचिस खुद ब खुद जलने लगेगा जैसे ही वो हवा के संपर्क में आएगा, अरे बस समझ। और वाइट फास्फोरस ये बोन्स में पाया जाता है, और वाइट फास्फोरस इज नॉन एज येलो फास्फोरस। और जैसे ही देखते हो कभी कभी जितने भी सिमेट्री हैं कब्रिस्तान वगैरह वहां पे अभी भी गांव में मान्यता है कि रात में पता नहीं प्रेत आत्मा नाचती, जबकि बोन्स में वाइट फास्फोरस पाया जाता है और वो जैसे ही हवा के संपर्क में आया जलना शुरू हो जाता है, क्योंकि फास्फोरस अर्थ में फ्री स्टेट के रूप में नहीं पाया जाता है। दैट मीन्स क्या हो गया फ्रेंड्स, व्हाइट फास्फोरस इज मोर रिएक्टिव देन रेड फास्फोरस। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ जाए मिसलेनियस, ये थे अब तक साइंस के क्वेश्चंस। दिनेश कुमार साहू जी कह रहे सर मत ड्रॉप नींद नहीं आएगी, भाई बढ़िया से पढ़ लो, जॉब लगेगी तो भरपूर नींद आएगी, एग्जाम के पहले तक ना सोवो कोई दिक्कत नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, इनमें से कौन सा संवैधानिक संस्था नहीं है, इलेक्शन कमीशन, प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस कमीशन, इंटर स्टेट काउंसिल।
चलिए, और आज चर्चा किए हैं इस क्वेश्चंस को एसएससी वाले क्लास में, क्यों, जब हम लोग पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। क्या होगा आंसर फ्रेंड्स? प्लानिंग कमीशन ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है। अब इसे जानते हैं हम लोग नीति आयोग के नाम से। चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, आर्टिकल 324 और पार्ट 15। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280। यानी योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है, इसके जगह पे नीति आयोग आया, जिसकी स्थापना की गई कब, 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के अध्यक्ष या प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन ऑलवेज कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर, और एक एनडीसी है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसकी स्थापना की गई 6 अगस्त 1952 को। एक क्वेश्चन क्या आएगा कि अंतिम रूप से योजना पर हस्ताक्षर कौन करता है, मुहर कौन लगाता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसके अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री। स्थापना कब की गई, 6 अगस्त 1952 को। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स, बढ़ जाए आगे, हम और मजेदार क्वेश्चंस देखेंगे आगे और ट्रिक के साथ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन द एंटी डिफेक्शन बिल वाज पास्ट। जब दल बदल विधेयक पारित किया गया था तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। चलिए वेरी गुड, राजीव कुमार इज अ सीईओ, नाइस। क्या होगा फ्रेंड्स, जब दल विधेयक पारित किया गया था तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? चलिए क्या होगा आंसर देखें, राजीव गांधी। दल विधेयक, दल बदल विधेयक चर्चा करते हैं, 52nd अमेंडमेंट, 52वें संविधान संशोधन 1985 में ऐड किया गया इसके, और राजीव गांधी ने ऐड किया, ये है क्या, इसकी चर्चा की गई है शेड्यूल 10, अनुसूची 10 में इसकी चर्चा की जाती है। दल विधेयक कानून क्या है कि जब आप इलेक्शन के बाद पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में जाओगे, दल बदल विधेयक के तहत आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। अब सवाल उठता है कि सर कितना, टोटल सीट का 1/6 पार्ट जब तक नहीं जाएगा तब तक आप नहीं जा सकते हो, और इसकी चर्चा करेंगे जब नेक्स्ट हम लोग 6 to 7 CGL और CPO की क्लास करेंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स की नेक्स्ट चैप्टर आपकी है क्या, शेड्यूल। देखिए ट्रिक के जरिए, ठीक है, आज यहीं तक, अंकित साहू जी, मोरारजी देसाई नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खालसा वाज फाउंडेड बाय, खालसा की स्थापना किसने की थी, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। क्या होगा बताओ, खालसा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, देखिए इंद्रजीत सिंह ने कहा गुरु गोविंद सिंह,
याद करिए 13 अप्रैल 2018 को हम लोगों ने चर्चा किया था, उस दिन भी इसके बारे में थोड़ी चर्चा की थी। 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ की स्थापना की गई थी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, जो 10वें गुरु हैं, जिनका जन्म बिहार के पटना में हुआ है। गुरु नानक फाउंडर ऑफ सिख, और गुरु अर्जुन देव और तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव सिख के 5वें गुरु, जिनको जहांगीर ने फांसी पे लटका दिया, और गुरु तेग बहादुर सिख के 9वें गुरु, जिनको औरंगजेब ने फांसी पे लटका दिया। क्योंकि हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं जब भी, सिख के 5वें गुरु को फांसी पे किसने लटकाया, जहांगीर औरंगजेब दोनों ऑप्शन में रहेगा, या अगर क्वेश्चन रहेगा कि जहांगीर ने किस सिख गुरु को फांसी पे लटकाया, उस समय आपके दोनों ऑप्शन रहेंगे अर्जुन देव और तेग बहादुर। कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलिए अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट नंबर ऑफ लोकसभा एमपीज कॉम्बिनेशन इज इनकरेक्ट। निम्न में से किस राज्य में लोकसभा सांसदों की संख्या का संयोजन गलत है? बिहार 40, कर्नाटक 28, छत्तीसगढ़ 11, महाराष्ट्र 44। चलिए बताओ किस राज्य में लोकसभा सांसदों की संख्या का संयोजन गलत है? क्या होगा फ्रेंड्स, आंसर बताओ जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी टाइप करिए, क्या होगा आंसर? डी, बिहार तो 40 है ही, पहले भी बता चुके हैं, कर्नाटक में 28 है ही, छत्तीसगढ़ में 11 है ही, महाराष्ट्र में 40। थोड़ा सा देखिए महाराष्ट्र के बारे में बेसिक फैक्ट है ना। चलिए देखिए मैप के जरिए सर इसको इलोबरेट कर दीजिए ताकि बच्चों को दिखे स्पष्ट। देखिए महाराष्ट्र के मैप के जरिए अच्छे तरीके से समझेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले देखिए महाराष्ट्र का जो बॉर्डर स्टेट है वो पहले गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और कर्नाटक और गोवा, ये इसके नेबोरिंग स्टेट हो गए। अब देखें इसकी स्थापना, सीएम वगैरह है ना। देखिए सबसे पहले देखें 1 मई 1960 को, इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र से गुजरात अलग हुआ था। ठीक है, देखिए कैपिटल की बात करें मुंबई, लेकिन महाराष्ट्र की 3 कैपिटल मानी जाती है फ्रेंड्स, एक कैपिटल मुंबई और विंटर कैपिटल, विंटर कैपिटल यानी ठंडे की राजधानी कहें नागपुर, और एक कैपिटल है कल्चरल कैपिटल, कल्चरल कैपिटल जो कहां पुणे, यानी 3 कैपिटल, 3 कैपिटल इन द सेंस कैपिटल मुंबई, विंटर कैपिटल नागपुर। क्वेश्चन कैसे आएगा, महाराष्ट्र की कल्चर कैपिटल किसे कहते हैं? पुणे। ठीक है, सीएम देवेंद्र फडणवीस, गवर्नर सी विद्यासागर राव,
सी विद्यासागर राव। लोकसभा 48, राज्यसभा 19। और फ्रेंड्स ये बायकैमरल है, बायकैमरल इन द सेंस विधानसभा और विधान परिषद, तो कुल सीटों की संख्या 288 प्लस 78, 288 विधानसभा और 78 विधान परिषद। फ्रेंड्स नोट डाउन करते जाइए, आपको फायदा ही होगा। ठीक है, देखिए क्षेत्रफल के आधार पे भारत का तीसरा बड़ा देश, जनसंख्या के आधार पे दूसरा बड़ा देश, सॉरी राज्य, यानी क्षेत्रफल के आधार पे तीसरा बड़ा राज्य, जनसंख्या के आधार पे दूसरा बड़ा राज्य, लैंग्वेज मराठी, लिटरेसी रेट साक्षरता दर, लिटरेसी रेट की बात करें तो 82.9% जो भारत में साक्षरता दर के हिसाब से ये छठे नंबर पर है। और देखें सेक्स रेशियो या लिंगानुपात 929। अरे बात समझ में, एक चीज और देख ले, इंपॉर्टेंट चीज, क्या इंपॉर्टेंट देखें, इसको मिटाए, अरे इरेज करें। सर ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा है? मराठी। फ्रेंड्स ऑफिशियल लैंग्वेज मराठी। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताएंगे, क्या नोट डाउन करते मत भूलना। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट बातें यही है। हाईकोर्ट की बात करें तो 1862 ईस्वी में बंबई हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी, और बंबई हाईकोर्ट में किस किस राज्य का क्षेत्र पड़ता है? देखिए महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली पहला महाराष्ट्र, दूसरा दादर नगर हवेली, तीसरा गोवा, फोर्थ दमन एंड दीव। यानी कितने हाईकोर्ट, बंबई हाईकोर्ट में कितने राज्य का क्षेत्र पड़ता है? फ्रेंड एक महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली दूसरा, गोवा तीसरा, और चौथा दमन एंड दीव। यानी क्वेश्चन क्या आएगा कि दमन एंड दीव का हाईकोर्ट क्षेत्र किस हाईकोर्ट में पड़ता है? बंबई हाईकोर्ट में। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। और जब दूसरी बार महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे, जैसे आज हमने क्या देखा एमपी से रिलेटेड नेशनल पार्क, वैसे ही नेशनल पार्क या रिवर देखेंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है सर, फोक डांस लावणी, लावणी है, तमाशा है, यानी अब क्वेश्चन भी आए लावणी कहां का नृत्य? महाराष्ट्र का। तमाशा कहां का? महाराष्ट्र का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया आर कनेक्टेड टू द ईस्टर्न कोस्ट? भारत के कितने राज्य पूर्वी तट से लगी हुई है? 3, 4, 5, 9। भारत के कितने राज्य पूर्वी तट से लगी हुई है? चलो बताओ जल्दी जल्दी क्या होगा, कितने पूर्वी तट से भारत के राज्य स्पर्श करते हैं, टच करते हैं? चलो चलो जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा फ्रेंड्स। चलिए ट्विंकल गुप्ता ने कहा 4।
कई लोगों को ना क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता, बस टाइप कर दिया गलती। अरे फोर फ्रेंड्स, यूपी आरओ की क्वेश्चन से है कि भारत के कितने राज्य समुद्र सीमा से लगते हैं। भैया पहले भी बता चुके हैं 9 राज्य, लेकिन क्वेश्चन क्या कहा, ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट में क्या होगा, केवल 4। उस दिन भी फिगर से बताए थे, देखो इसलिए कहते हैं ना रिवीजन करेंगे तभी याद होगा। इधर 5 और इधर 4, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। कितने राज्य हैं, 4 तो है इधर, जबकि ये हो गया ईस्टर्न कोस्ट, ये हो गया वेस्टर्न कोस्ट। एक ट्रिक के जरिए भी बताए थे उसे, ट्रिक के जरिए क्या कहा था, 4 राज्य है, आप ताऊ, यानी आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, और इधर हो गया गुम, गया, केक। गुम गया केक यानी गुजरात, महाराष्ट्र, गया को मान लीजिए गोवा, केरल और कर्नाटक। कोई कंफ्यूजन नहीं, टोटल कोस्टल स्टेट कितने, 9। भैया ये साउथ कहोगे तो इसको 2 भागों में बांट दीजिए, अब क्या हो गया, ये हो गया ईस्टर्न। अरे बात समझ में, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 17 एंड 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 प्रदान करते हैं सोशल इक्वलिटी, इकोनॉमिक इक्वलिटी, पॉलिटिकल इक्वलिटी या रिलीजियस इक्वलिटी। चलिए क्या होगा आंसर, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 क्या प्रदान करते हैं। सीखा कुमारी जी, सिविक्स नहीं पॉलिटी बोलते हो कॉन्स्टिट्यूशन, अगर नहीं समझ में आता है तो देखिए आप ना आ जाइए 6 से 7 में एसएससी वाले क्लासेस में, उसमें टॉपिक वाइज क्लियर करते हैं और ज्यादा क्लियर होगा आपका। देखिए क्या होगा आंसर फ्रेंड्स, सोशल इक्वलिटी आर्टिकल 17 क्या है, अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत इसमें है 17 में। आर्टिकल 18 अबॉलिश अनटचेबिलिटी, अबॉलिश टाइटल्स, यानी 17 है छुआछूत का अंत, 18 है उपाधियों का अंत, क्या हो गया सामाजिक समानता। यानी अनुच्छेद 17 क्या कहता है, छुआछूत हटा देनी चाहिए, यानी समाज में सबको एक बराबर, टाइटल यानी उपाधि खत्म कर दीजिए, समाज में सबको एक बराबर। अरे बात समझ में, जब आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि अनुच्छेद 17 क्या है फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिए अनुच्छेद 17 क्या कहता है, छुआछूत अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 18 आर्टिकल 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत, अबॉलिश्ड ऑफ टाइटल्स। ठीक है, देखिए टुडेज लास्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन इन द वर्ल्ड, दुनिया में लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इंडिया। चलिए ये आपके सामने क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं आपके सीजीएल में भी, रेलवे में भी पूछा जा चुका है और आने वाले समय में हो सकता है दूसरा पूछ दे, तीसरा पूछ दे।
चलिए बताइए क्या होगा। ये क्वेश्चन भी आरओ में आया था ना फ्रेंड्स, देख लो। दुनिया में लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना। देखिए इसको ट्रिक से याद रखते हैं। कैसे याद रखेंगे? अगर हम लोग चाबी की बात करें, जो ताला हम लोग ओपन करते हैं खोलते हैं, किससे बनता है, यानी चाबी कैसे याद रखना है, चाबी किससे बनता है फ्रेंड्स? आयरन से। नंबर वन पे चाइना, नंबर टू पे ऑस्ट्रेलिया, नंबर थ्री पे ब्राजील और नंबर फोर पे इंडिया। यानी क्या होगा आंसर? विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन इन द वर्ल्ड? कैसे याद रखना है? चाबी से निकल जाएगा कि पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे और ये चौथे नंबर पे, क्योंकि लोगों को लगता है ना भारत में आयरन बहुत ज्यादा है। और भारत में झारखंड, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए टुडेज लास्ट क्वेश्चन, आज कीजिए अंतिम क्वेश्चन। और फ्रेंड्स कल भूलेंगे नहीं, केवल और केवल रेलवे से जुड़ी क्वेश्चंस देखेंगे और वो भी टाइमर के साथ। जो रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनाएगा, जो होगा टेस्ट में बेस्ट, रेलवे उसी को कॉल करेगी इन द सेंस जॉब उसी के हाथ में। ठीक है, यानी आज का सेशन करें अंत और आपसे लेके विदा। और मन लगाकर पढ़िए, स्टडी करिए फ्रेंड्स, क्योंकि मेहनत का ना कोई तोड़ नहीं, मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। चलिए लेते हैं विदा आपसे। ओके बाय, गुड नाइट। सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल, बेल बटन पे क्लिक करते ही पाएं हर एक वीडियो की लेटेस्ट अपडेट।